हम जो इंद्रियों के दास बने बैठे हैं, मुझे वो नहीं बनी, क्योंकि मैं असुरों के बीच में पला बड़ा हूं, बचपन से ही बुरा भला सुना है मैंने, तो इसलिए हम जो इंद्रियों के दास बने बैठे हैं, मुझे वो नहीं बनी। अब देखिए महाराज, इंद्रियों का सुख कैसा है, इसे आपको मान लीजिए कोई चीज खाने में बहुत अच्छी लगती है, जैसे छोले की सब्जी। अब यदि आप वो छोले की सब्जी ज्यादा ग्रहण कर लो, ज्यादा खा लो, तो बाद में परिणाम क्या होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, छोले से नफरत होने लगेगी, ना हम छोले नहीं खाए, गैस बनती, एसिडिटी होती। तो ऐसे इंद्रियों का सुख है, पहले बड़ा आनंद आएगा लेकिन बाद में उतना ही कष्ट होगा, जैसे हमें खुजली होती है, कभी कभी तो आनंद आता है लेकिन यदि ज्यादा खुजा लो तो पीड़ा होने लगती है। तो ऐसे इंद्रियों का सुख है कि पहले तो बड़ा आनंद आएगा लेकिन बाद में उसका परिणाम उतना ही पीड़ादायक होगा, उतना ही कष्टदायक होगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं मुझे वो इंद्रियों का दास नहीं बनना। भगवान कहते अरे जिसके कुल में तुम्हारे जैसा बालक जन्म ले ले उसकी 21 पीढ़ियां तो ऐसी पवित्र हो जाती, कुछ और मांगना है तो मांग। तो प्रहलाद जी निष्काम होने के कारण महाराज कुछ नहीं मांगते, तो भगवान प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर बैठा कर वहां से अंतर ध्यान हुआ। अब ये प्रहलाद चरित्र नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था, तो युधिष्ठिर जी वो प्रहलाद चरित्र सुनकर के कहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है। नारद जी कहते कि देखिए धर्म का आधार ईश्वर है, धर्म वो है जिसमें सत्य, दया, तपस्या, इच्छा, श्रम और दम, अहिंसा, स्व अध्याय, आत्मज्ञान, सरलता, संतोष, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपने भोजन में से दूसरे प्राणियों को बांटकर खिलाना, ठाकुर जी की नवदा भक्ति करना, संत जनों की सेवा करना, इस तरह से कुल 30 लक्षण होते हैं। यदि वो किसी व्यक्ति में है तो उसमें धर्म जरूर है। युधिष्ठिर जी कहते हैं ये तो आपने हर व्यक्ति के धर्म बता दिए, लेकिन अब विशेष रूप से स्त्रियों के धर्म बताइए कि स्त्रियों के क्या धर्म है। तो ये सुनकर के नारद जी कहते कि देखिए स्त्रियों का धर्म है कि वो हमेशा पतिव्रता धर्म का पालन करें, हमेशा अपने पति के परिवार के लिए अनुकूल रहे, अपनी पति की सेवा करें। क्योंकि यदि कोई स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो कहा जाता है कि मृत्यु के उपरांत जब वो परलोक जाती है तो वो माता लक्ष्मी के समान भोग को भोगती हैं और उनके जो पति हैं वो विष्णु जी के समान भोग को भोगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पतिव्रता धर्म का हमेशा पालन करना चाहिए। अब यही सारी की सारी बातें सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं अब आप हमें ये बताइए कि हमने सुना है भगवान कहते हैं कि वो सभी को दर्शन देते हैं, जो कोई भी उन्हें पुकारे वो सभी को प्राप्त होते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, पशु, पक्षी, जानवर, कोई भी हो, भगवान सभी को दर्शन देते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने सच में किसी जानवर को दर्शन दिए हो, उसे मोक्ष मिला हो? सुखदेव जी कहते बिल्कुल हुआ है। परीक्षित जी कहते हुआ हो तो बताइए। अब देखिए महाराज, उस समय कलयुग आने वाला था और कलयुग में एक बात बड़ी विचित्र है कि कलयुग के व्यक्ति को प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, है ना? जब तक आपको सबूत नहीं मिलता आप विश्वास नहीं करते, पहले सबूत चाहिए। ऐसे परीक्षित जी कहते हुआ हो तो बताओ। सुखदेव जी कहते बिल्कुल हुआ है। तब महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि त्रिकुट नामक पर्वत पर एक समय की बात है, एक गजेंद्र नाम के हाथी अपनी कई सारी पत्नियों और बच्चों के साथ जाते हैं भ्रमण करने। अब उस पर्वत पर बड़ा ही सुंदर सा सरोवर था, उस सरोवर में भोरे भ्रमण करते हैं, कमल के पुष्प लगे हैं और उस सरोवर में एक मगरमच्छ भी निवास करता है। तब जैसे ही गजेंद्र उस पर्वत पर जाते हैं महाराज, सबसे पहले नजर पड़ गई सरोवर पर, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा आकर्षक लग रहा है, इतना सुंदर लगा कि गजेंद्र उस सरोवर में छलांग लगा देता। अब जैसे छलांग लगाई सूंड में पानी भरा, बच्चों पर डालते हैं, बच्चे खुश होकर के नृत्य करने लगे,
पत्नियों पर डालते, पत्नियां शर्माने लगी, सभी आनंद लिए। कुछ समय बाद उस मगरमच्छ को लगता है कि मानो कोई तो मेरा घर गंदा करने आ गया। बड़ा क्रोध आता है। अब यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप भली भांति जानती हैं, यदि आपने अपना घर साफ सुथरा रखा है और कोई मेहमान आ जाए और वह आपके घर को गंदा कर दे, मन ही मन आपको बड़ा क्रोध आता है। कुछ तो जल्दी तो जाए यहाँ से, इतने अच्छे से घर को साफ सुथरा कर कर रखा है। अब आप बोल नहीं सकते पर मन में बहुत कुछ आता है। तो ऐसे ही वो मगरमच्छ सोचता है, इतने अच्छे से घर को साफ सुथरा रखा, अरे कौन आकर के गंदा कर रहा। बड़ा क्रोध आया। तो वो मगरमच्छ जाते हैं और जाकर के गजेंद्र के पैर को अपने जबड़े में दबा लिया। गजेंद्र को तुरंत लगा कुछ तो हुआ। महाराज नीचे देखा तो एक मगर ने पकड़ के रखा है। पहले गजेंद्र को लगता है कि वो अपने आप बाहर आ जाएंगे, बहुत प्रयास किया, लेकिन जब अपने आप बाहर नहीं आ पाए, सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरी पत्नियां तो हैं, मेरे बच्चे तो हैं, ये तो मेरी सहायता करेंगे। अपने बच्चों से कहते हैं कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है, थोड़ी सहायता कर दो। अब बच्चे एक बार दो बार प्रयास करते हैं और बच्चों ने प्रयास करना बंद कर दिया। कहते पिताजी हमसे नहीं हो रहा, हम तो चले। अपनी पत्नियों से कहते हैं तुम तो मदद करो, तुम तो सहायता करो, अरे तुम सभी को सुख देने के लिए मैं जीवन भर संघर्ष करता रहा, जीवन भर दुख सहता रहा, लगा तुम मेरे अपने हो, तुम तो सहायता करो। अब पत्नियां भी एक बार दो बार प्रयास करती हैं और पत्नियों ने भी प्रयास करना बंद कर दिया। कहते हमसे नहीं हो रहा, हम तो चले। बच्चे कहते हैं पिताजी चिंता मत कीजिए, आपके जाने के बाद हम हमारी माताओं का ध्यान रख लेंगे। गजेंद्र कहते थोड़ी तो शर्म करो, अरे अभी तो मैं जीवित हूं, मेरे जीते जी ऐसी बातें कर रहे हो तो मेरे मरने के बाद कैसी बातें करोगे। अब महाराज बच्चे और पत्नियां तो साथ छोड़कर चली गई। अब आज गजेंद्र अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आज समझ में आया कौन अपना है कौन पराया। और ये स्थिति आज के समय में अधिकतर लोगों की है कि आप जिन्हें अपना मानते हैं, आपको लगता है मेरे अपने हैं, मेरे साथ देंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, सबसे पहले वही आपका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग आपका साथ छोड़ कर जाते कि आप विश्वास भी नहीं कर पाते, ये इसने मेरा साथ छोड़ दिया, ये तो कहता था जीवन भर साथ रहूंगा। तो सुख में सब साथ खड़े हैं, दुख में कोई साथ नहीं। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है महाराज, जब तक स्वार्थ है व्यक्ति तब तक आपसे बात करेगा, मीठे मीठे बोल बोलेगा, जैसे ही स्वार्थ निकल गया आपको पहचानेगा भी नहीं। इसलिए कहा भी गया है कि प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से जग बांधियो, क्योंकि कोऊ काहू को नहीं। आज के समय में कोई किसी का नहीं है, जब तक स्वार्थ व्यक्ति तब तक बात करेगा। आज वही गजेंद्र को समझ में आता है कि जिनको मैंने अपना माना वही मेरा साथ छोड़कर चले गए। मैंने आज बहुत प्रयास किया स्वयं ने भी कि वो सरोवर से बाहर आ पाए, लेकिन बाहर नहीं आ पाते क्योंकि पानी में मगर की शक्ति बढ़ जाती है, हाथी की कम हो जाती है। तो कई वर्षों तक युद्ध किया लेकिन अब लगने लगा है मानो अंत समय आ गया। तो गजेंद्र सोचते हैं अंत समय है, काम करता हूँ, भगवान के नाम का स्मरण कर लेता हूँ, भगवान को याद कर लेता हूँ। तो नजर पड़ती है कि उस सरोवर में कमल का पुष्प लगा था। महाराज उस कमल के पुष्प को तोड़ा, अपनी सूंड में धारण किया और बड़े ही करुण स्वर में भगवान को पुकार लगा के क्या कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का कहना है, भगवान की प्रतिज्ञा है, यदि कोई उनके भक्त के चरण भी पकड़ ले, यदि कोई भगवान के भक्त के चरण भी पकड़ ले तो भगवान अपने भक्त से पहले उस व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। भगवान उससे पहले भगवान उस व्यक्ति से पहले अपने भक्त का उद्धार करते हैं जो उनके चरणों को पकड़ लेता है। तो
ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए उद्धार तो दोनों का होना था, बस बात इतनी सी कि पहले उद्धार हुआ उस मगर का, फिर गजेंद्र का, क्योंकि मगर ने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए। भगवान का कहना है कि यदि कोई उनके भक्त के चरण भी पकड़ ले तो भगवान अपने भक्त से भी पहले उस व्यक्ति का उद्धार कर देते। और सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो गजेंद्र और मगर थे, ये दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे, आज उसी श्राप के कारण इन दोनों का उद्धार होता है। परीक्षित जी कहते कैसा श्राप? सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो मगर थे, ये पूर्व जन्म में हुहू नाम के गंधर्व थे। भगवान के कुछ गंधर्व होते हैं, हा हा हुहू ही, जिनका काम होता है लोगों का मनोरंजन करना, तो ऐसे ही ये गंधर्व है और इनका नाम है हुहू। ये हुहू नाम के गंधर्व है। तो एक समय की बात है कि देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, तो ये गंधर्व सोचते हैं चलो आज जाकर के थोड़ा उपहास करेंगे। तो जैसे ही देवल ऋषि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने जाते हैं, तब ये गंधर्व नदी में छलांग लगा देते हैं और नीचे से जाकर के देवल ऋषि के चरणों को पकड़ लिए। अब जैसे ही चरणों को पकड़ा तो देवल ऋषि को लगा कि मानो किसी मगर ने पकड़ लिया। महाराज घबरा गए, बहुत जोर जोर से चिल्लाते, आवाज लगाते, बचाओ मेरी सहायता करो। घबरा चुके, पसीने पसीने हो गए। तो अब गंधर्व को लगता है मानो मजाक ज्यादा बढ़ गया। तो गंधर्व जो है वो नदी से बाहर आते हैं, मुस्कुरा कर कहते अरे ये क्या, इतने से मैं घबरा गए। देवल ऋषि कहते हैं मूर्ख हो तुम, अरे माना कि भगवान के गंधर्व हो, काम है लोगों का मनोरंजन करना, लेकिन एक बार देख तो लो कि सामने वाला व्यक्ति कर क्या रहा है। अरे हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे, तुमने उसमें विघ्न उत्पन्न कर दिया। बहुत शौक है ना तुम्हें पैर पकड़ने का, चरण पकड़ने का। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अगली योनि तुम्हें मगर की ही प्राप्त होगी। अब महाराज वो बार बार प्रार्थना करे, हाथ जोड़े ताकि मेरी क्या गलती, अरे मैं तो गंधर्व हूं। मैं तो गंधर्व हूं, भगवान ने बनाई इसलिए कि मैं लोगों का मनोरंजन कर सकूं। तो मैंने कौन सा गलत काम किया, आपके पैरों को तो पकड़ा, चरणों को तो पकड़ा, ऐसा श्राप तो मत दो। देवल ऋषि कहते देखो श्राप तो मिल गया है, असर तो होगा, लेकिन ऐसे ही चरणों को पकड़ते रहना तो एक दिन तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। आज ऐसे ही वो मगर ने गजेंद्र के पैर पकड़े तो गजेंद्र से भी पहले उनका उद्धार हुआ। अरे जो गजेंद्र थे ये पूर्व जन्म में इंद्र नाम के एक राजा थे। तो एक समय की बात है कि अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर देते हैं। अगस्त मुनि क्रोध में आकर के कहते हैं कि आप में गजराज के भांति अभिमान है, आपने मुझे देख करके भी अनदेखा किया, मैं आपको श्राप देता हूं कि अगला जन्म आपका उन्हीं की उन्हीं में होगा। अब महाराज वो राजा बार बार प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि देखिए ऐसा श्राप मत दीजिए, आप ऐसा श्राप देंगे तो आगे चलकर दिक्कत होगी मुझे। ऋषि कहते हैं कि देखो श्राप तो मिल गया है, असर तो होगा, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करते रहना, सुमिरण करते रहना, तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार बने रहे, एक दिन तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। तो आज जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान उनके लिए दौड़े दौड़े चले। तो उद्धार तो दोनों का होना था, बस बात इतनी सी कि पहले उद्धार हुआ मगर का और उसके बाद गजेंद्र का। तो मरे अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को ये गजेंद्र मोक्ष कथा श्रवण कराते हैं। परीक्षित जी कहते हैं अब आप हमें ये बताइए कि भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया, समुद्र मंथन का कार्य कैसे हुआ, क्योंकि वो स्थिति परिस्थिति बड़ी विपरीत थी, देवता और दैत्य दोनों को मिलकर के समुद्र मंथन करना था, तो कैसे किया, क्या किया, सब कुछ बताइए। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी से कि जब समुद्र मंथन का अवसर निकट आता है तो भगवान सारे देवतागण को समझाते कि देखो जब हमें कोई बहुत जरूरी काम करना होता है तो अपने शत्रुओं से भी मित्रता करना पड़ती है। अब महाराज कभी कभी आपके साथ भी होता होगा कि आपको अपने दुश्मन से भी काम करवाना पड़ता है, कभी कभी काम आ जाते हैं अपने शत्रु से भी,
तो शत्रु से भी मित्रता करना पड़ती है। तो ऐसे भगवान कहते हैं जब आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है तो अपने दुश्मन से, अपने शत्रु से भी मित्रता करना पड़ती है। और अभी हमें बहुत बड़ा काम करना है, समुद्र मंथन। तो इसलिए आप सभी जाइए और जाकर के दैत्यों से मित्रता कीजिए। देखिए निवेदन है, शांति बनाकर रखें कृपया कर। जितने भी लोग बैठे हैं आप उपस्थित हैं, सभी से निवेदन है आप शांति बनाकर बैठें, क्योंकि शांति से बैठेंगे तो कथा श्रवण कर पाएंगे। यदि आप हलचल करेंगे तो हम प्रसंग को छूते हुए निकल जाएंगे। आगे खासकर से जो महिलाएं बैठी हैं कृपया कर शांति से बैठें।